क्या आप जानते हैं, वर्ड तो देखने में छोटा जरूर है, लेकिन यह एक ऐसा वर्ड है जिसका इंग्लिश अलग अलग होता है, यानी कई मौकों पर इनका इंग्लिश एक जैसा नहीं होता। और ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हमें अपने डेली लाइफ में बोलना ही पड़ता है। तो आइए देखें वर्ड तो की इंग्लिश क्या होगा और आप इसे कैसे बोलेंगे। जब वर्ड तो सेंटेंस के शुरू में लिखा हो और उसके बाद कॉमा दिया हो, तो वहां पर तो के लिए आप लिखेंगे वेल। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो, तो मैं कह रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं सेंटेंस के शुरू में आया है तो और उसके बाद कॉमा दिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेल आई वॉज सेइंग, यानी तो मैं कह रहा था। अगर आपको कहना हो तो आपने क्या सोचा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेल व्हाट हैव यू थॉट, यानी तो आपने क्या सोचा है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ तो सेंटेंस के शुरू में आया है और उसके बाद कॉमा दिया है, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जब वर्ड तो सेंटेंस के शुरू में आए और उसके बाद कॉमा हो, तो ऐसे तो का इंग्लिश होता है वेल। कई बार वर्ड तो का इस्तेमाल हम कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए करते हैं, यानी विरोध दिखाने के लिए करते हैं, तो ऐसी सूरत में वर्ड तो की इंग्लिश वाइल या वेयर एज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो एक उंगली बड़ी है तो दूसरी छोटी, यहाँ मैंने दो उंगलियों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया, यानी तुलना दिखाया, तो यहाँ पर मेरे सेंटेंस में आया तो की इंग्लिश होगी वाइल या वेयर एज, यानी इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वन फिंगर इज स्मॉल वाइल द अदर इज बिग, यानी एक उंगली छोटी है तो दूसरी उंगली बड़ी है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो राधा नाचती है तो श्याम बजाता है, यहाँ दो सेंटेंसेस के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया, यानी एक ऐसा करता है तो दूसरा वैसा करता है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस के बीच में आया तो की इंग्लिश वाइल या वेयर एज होगा। जैसे राधा नाचती है राधा डांसेस, उसके बाद लिखा है तो आप कहेंगे वाइल या वेयर एज, श्याम बजाता है श्याम प्लेज, यानी इस सेंटेंस को आप ऐसे कहेंगे राधा डांसेज वाइल श्याम प्लेज। आप ये भी कह सकते हैं राधा डांसेज वेयर एज श्याम प्लेज। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि वर्ड तो की इंग्लिश वाइल और वेयर एज दोनों होता है, और ऐसा तब होता है जब हम वर्ड तो का इस्तेमाल कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए करें, यानी विरोध दिखाने के लिए करें, यानी तुलना दिखाने के लिए करें। कई बार वर्ड तो का इस्तेमाल किया जाता है जहां उसका मीनिंग इसलिए होता है, जैसे तो हमें वहां जाना चाहिए, यानी इसलिए हमें वहां जाना चाहिए, यहां वर्ड तो का मतलब इसलिए है। तो इस सूरत में वर्ड तो की इंग्लिश होती है सो, जैसे तो हमें वहां जाना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सो वी शुड गो देयर, यानी तो हमें वहां जाना चाहिए। अगर आपको कहना हो तो मैं देर हो गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सो आई गॉट लेट, यानी तो मैं लेट हो गया, यहाँ पर वर्ड तो का सेंस इसलिए है, इसीलिए मैंने बोला सो। अक्सर आप ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं या देखते हैं जिनकी शुरुआत अगर या जब से होती है, जैसे अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, या जब आप कड़ी मेहनत करेंगे तब आप पास हो जाएंगे, अगर तुम मुझे फोन करोगे तो मैं आऊंगा, या जब तुम मुझे फोन करोगे तब मैं आऊंगा। तो कई बार आप कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस देखते हैं जहां लिखा होता है तो या तब, यानी इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस की शुरुआत इफ या वेन से होती है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि आपके सेंटेंस में आया तो या तब की इंग्लिश सिर्फ कॉमा होता है, यानी इस तरह के सेंटेंसेस में तो या तब की इंग्लिश होगा सिर्फ कॉमा। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं वर्ड तो के लिए मैंने दिया कॉमा। जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हेन ही कम्स आई विल गो, यानी जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, यहाँ वर्ड तब के लिए मैंने दिया कॉमा। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में चल रहा हो कि देन का क्या इस्तेमाल है, तो मैं आपसे कहूंगा देन का मतलब होता है उसके बाद या फिर या तब, यानी उस समय। यानी अगर आप कोई एक ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जहां आप कह रहे हैं तब,
और तब कहने का सेंस आपका है दैट टाइम, यानी उस समय। तो वहां पर आप देन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जहां आप कह रहे हैं फिर, तो वहां पर भी आप देन का इस्तेमाल करेंगे। या अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और आप वहां कह रहे हैं उसके बाद, तो आप वहां पर देन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो पहले वे मुझे अनदेखी किए, उसके बाद वे मुझ पर हंसे, फिर वे मुझसे लड़े, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फर्स्ट दे इग्नोर्ड मी, यानी पहले वे मुझे अनदेखी किए, उसके बाद वे मुझ पर हंसे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देन दे लॉफ्ड एट मी, यानी उसके बाद वे मुझ पर हंसे, फिर वे मुझसे लड़े, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देन दे फाउट मी। तो फ्रेंड्स, आपने इस सेंटेंस में देखा कि उसके बाद के लिए मैंने बोला देन, आगे मेरे सेंटेंस में आया फिर और मैंने उसके लिए बोला देन। तो देन का इस्तेमाल फिर या उसके बाद के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि देन का इस्तेमाल तब यानी उस समय या दैट टाइम के सेंस में करते हैं। आइए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लें। अगर आपको कहना हो तब मैं सिर्फ 10 साल का था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देन आई वॉज ऑनली 10 ईयर्स, यानी तब मैं सिर्फ 10 साल का था। यहाँ तब कहने का मतलब है कि उस समय या उस वक्त, यानी दैट टाइम। तब हम लोग गरीब थे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देन वी वर पुअर, यानी उस समय हम लोग गरीब थे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वर्ड तब का एक मीनिंग देन भी होता है और यहाँ तब का सेंस होता है दैट टाइम या उस समय। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यह कंसेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।